हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार और प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मजबूशी घाटी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज पहले तो आप सभी लोगों को आज जो है सावन माह का अंतिम सोमवार, मतलब लास्ट चौथा सोमवार है, पाँचवा सोमवार है, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ और 15 अगस्त की भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। और अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज और बस का वेट कर रही हूँ। टाइम जो हो रहा है वो 6 बज चुके हैं और अब देखती हूँ गाड़ी आती है या नहीं आती है। और जो है ना, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और कहने में आ रहा है कि कल रात को तो वैसे बांसवाड़ा टूट गया था, जो हमारे यहाँ का लोकल एरिया है, मतलब इस एरिया जिस एरिया से मुझे जाना है अगस्तवनी कॉलेज में, वो टूट गया था। तो अभी देखती हूँ मैं, अगर गाड़ी वगैरह आती है तो चलती हूँ। 6:45 तक मुझे कॉलेज में पहुँचना है, अगर कोई 6:45 बोले तो मतलब 6:40 तक तो जाना ही पड़ता है। तो अब देखती हूँ, 6 तो बज चुके हैं, गाड़ी मिलेगी तो जाऊंगी। और बारिश भी हो रही है, देख सकते हो मैंने छाता ओढ़ी हुई है, बारिश भी हो रही है। तो फिलहाल चलते हैं मेरे साथ आगे आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। तो अभी दोस्तों यहाँ बांसवाड़ा पे सड़क टूटी हुई है और ये देखिए, मुझे कम से कम यहाँ पे 1 आवर तो हो चुके हैं और अभी मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लगेगा, क्या मुझे लग रहा है प्रोग्राम मेरा मुश्किल होगा, टाइम पर पहुँचना तो मुश्किल है। तो अभी देखते हैं, यहाँ देख सकते हो आप आगे, तो अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और बारिश भी हो रही है, फाइनली खुल ही गया, अब चल रहे हैं हम आगे आगे। अब देखते हैं कहाँ पर टूटा हुआ था, मैंने तो देखा नहीं था, यहीं पे ये देखिए ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा था। पूरे 2 घंटे के बाद यहाँ पे से आगे जा रही हूँ मैं और काफ़ी लेट में हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब तक पहुँचूँगी और क्या वहाँ पर पहुँच कर कॉलेज में क्या हो रहा होगा। पर यहाँ से टूट रहा है यहाँ पर से, क्रॉस कर दिया फाइनली। अब दोस्तों दूसरी जगह पे जाम लग चुका है, एक जगह पे स्टार्ट तो हो गई है, अभी फिर से देखते हैं आगे आगे निकल निकलते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कॉलेज फाइनली, बहुत रिस्क के बाद। 8:45 से ऊपर हो गया टाइम और ये रही दिया यहाँ पर और ये रही सानिया, हेलो। और आप देख सकते हो पूरे ग्राउंड में सारे इकट्ठा हो रखे हैं और ये यहाँ पे आगे पे उत्तराखंड वाली दीदी भी हैं और ज्योति दीदी भी हैं और ये नीचे हमारी मंदाकिनी। तो अभी हमने जो है ध्वजारोहण कर दिया है और अभी मेरा दिया है तो बोलिए दिया जी कुछ दोस्त सब। आरती के उत्तराखंडी ब्लॉगर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और दिया की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी हमारा जो है वो फ्लैग तो हो गया है, ध्वजारोहण हो चुका है, अब इसके बाद देखते हैं अंदर जाते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर अभी सभी फोटो शूट कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये भी फोटो शूट कर रहे हैं। और दीदी हेलो, कैमरे की तरफ देखो, सारे फोटो शूट करने पे लगे हुए हैं। ये दीदी भी हेलो सलोनी दीदी, ओ दीदी बोल रहे हैं, रागी दी कहाँ है। तो अभी यहाँ पर देखिए सारे यहाँ पर लगे हुए हैं और ये देखिए उत्तराखंड वाली दीदी के यहाँ पर रील्स बन रही है। और यहाँ पर देखिए जलपान चल रहा है, सारे बच्चों के लिए जलपान हो रहा है
और यहाँ पर दीदी भी ब्लॉग शूट कर रही है, ज्योति दीदी भी और अमित ब्लॉग सारे ब्लॉग शूट करने पे लगे हुए यहाँ पे। ज्योति रावत ब्लॉग मतलब दीदी जी हैं यहाँ पे। तो बने रहे लास्ट तक। और यहाँ पे दूसरे भी हैं ब्लॉगर। और दोस्तों आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार हम मना रहे हैं 75 इंडिपेंडेंस डे। और कुछ ज्यादा बोला जा नहीं रहा है, चोट लग गई है, कोई बात नहीं। बार जो इसने बोला वही बहुत है। हाँ वही बहुत है। दिखाओ यार आप कितना लोग। और यहाँ पे दीदी है उत्तराखंड वाली, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है आपकी वीडियो दीदी। आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं कह रही हूँ कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग बड़े उत्साह से मना रहे होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका भी। तो अभी यहाँ पर देखिए सारे जलपान की व्यवस्था चल रही है, और यहाँ पे नीम वाले भी आए हुए हैं और सारे यहाँ पे खा ही रहे हैं। हम भी इसके बाद जलपान हमें लास्ट में मिलेगा क्या सानिया? भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं क्योंकि इन्हें अभी जलपान की व्यवस्था नहीं हुई है। इन्हें भात चाहिए। ये देखो खा के भी आ गए हैं और यहाँ पे ये हड़ताल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठने से कोई फायदा नहीं है, उधर जाओ उधर बैठ के खाओ, आजादी चाहिए। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ देखिए और पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर टीचर्स लोग बैठेंगे, हम सबसे आगे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर विद्या जलंकन किया जा रहा है प्रिंसिपल मैम का, प्राचार्य मैम का, यहाँ पर और पुष्प भेंट की जा रही है। स्वागतम 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 स्वागतम।